हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वाई फाई स्टडी इज द पार्ट वन अकेडमी। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का नादी गौतम। ये बताओ भाई, आवाज़ वगैरह सब ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जो सेशन है हमारा, ये मैं आज आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आया हूँ। और सेशन बेटा ये जो रहेगा, ये किस चीज़ पर रहेगा, बात सबसे बड़ी है कि किस चीज़ पर है। केस जैसे आपको अभी पता ही है कि अभी आपका फांसी लगा है किस पर, निर्भया केस के, जो जितने उसके अंदर गुनाहगार थे वो तो लिखा हुआ, जस्टिस गॉट फाइनली आफ्टर 7 ईयर्स, लगभग लगभग 7 साल के बाद आपको क्या मिला है, जस्टिस मिला है। लगभग क्या मिला है, 7 ईयर्स के बाद में आपको जस्टिस मिला है। तो बात आती है कि भाई जो 7 ईयर्स के बाद में जो जस्टिस मिला है, क्या वो सही हुआ, क्या वो गलत हुआ? तो सबसे पहली चीज़ तो ये जान लो भाई कि जस्टिस हमेशा सही ही होता है अपनी तरफ से। जब भी कोई कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, कोई भी रहा हो, जब भी वो अपनी तरफ से कोई भी डिसीजन लेते हैं, उनका जो डिसीजन होता है वो हमेशा से सारी चीज़ों को के बैलेंस को देखते हुए, मतलब हर तरीके से वो ये देखते हैं कि ना किसी के साथ गलत हो, कहने का मतलब कोई निर्दोष, कोई इनोसेंट बंदा फंसना नहीं चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बता दो, आवाज़ वगैरह सब ठीक आ रही है? चलिए देखते हैं। अब इसमें देखो हेडिंग आपके सामने क्या दिखाई दे रही है, 7 साल बाद आखिर मिला इंसाफ। इंसाफ लेट मिले, कहते हैं ना एक कहावत होती है कि भाई अंधा जरूर होता है, एक्चुअली अंधा नहीं होता है, बहरा जरूर होता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं जस्टिस के लिए, बहरा भी एक्चुअली नहीं होता है, वो क्या होता है, मिलेगा जरूर, डिले हो सकता है, होता है ना, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है। इस केस में भी बहुत सारी तारीखें पड़ी। तो लिखा हुआ है सामने, निर्भया केस के 6 दोषियों में से एक ने खुदकुशी की। कहने का मतलब टोटल कितने थे, 6 थे इसमें। वन ऑफ द 6 कन्विक्ट इन द निर्भया केस कमिटेड सुसाइड। अ माइनर वॉज सेंटेंस 2 or 3 years इन प्रिजन। कहने का मतलब एक को 3 साल की सजा हुई थी, क्यों, क्योंकि कौन था, वो बालिग नहीं था। बाकी बचे हुए 4 थे, उनको अभी 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे अर्ली मॉर्निंग, इनकी डेट पूछी जा सकती है, इसकी डेट आपसे एग्जाम में बन सकती है कि इसकी क्या डेट थी, जिस डेट को इनको क्या दी गई, फांसी दी गई, इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है, है ना। तो बात आती है इनको जो फांसी दी गई है, वो 20 मार्च को 5:30 बजे की फांसी लगी है। किस किस को, नाम है अक्षय ठाकुर, मुकेश सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा। ठीक है, ये 4 लोग हैं जिनको फांसी दी गई है, सामने आपके फोटो लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, जो मेन पॉइंट है उसको देखते हैं, और मैं इस पर और भी आपकी कुछ पॉइंट्स को आगे डिस्कस करूंगा स्पेशल। तो लिखा हुआ है 16 दिसंबर 2012, मतलब ये घटना कब की है, जो निर्भया केस है, दामिनी केस के नाम से भी जाना जाता है इसको, ये कब की है, 16 दिसंबर 2012 की है। ऑन द नाइट ऑफ 16 दिसंबर 2012 द 4 poor people हु प्लेड डर्टी गेम्स विद निर्भया वर हैंग्ड। अब यहाँ पुअर का मतलब वो गरीब वाला पुअर नहीं है, ये गंदे हैं, है ना, ये बुरे लोग हैं, 4 दरिंदे इनको जो बोल रहे हैं, ठीक, ये क्या है, बैड पर्सन कह सकते हैं, बैड मैन, बुरे लोग। अब यहाँ पर इन्होंने जो फांसी दी थी, इनको जो फांसी दी गई है, एक्चुअली इस केस को एक केस के नाम से और जाना जाता है, दामिनी, दामिनी है ना, यही जो निर्भया केस है, यही क्या है, दामिनी उसका नेम दिया गया था उस बच्ची का, उस लड़की का। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया के दोषियों द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया, मतलब इन्होंने एक पिटीशन डाली थी उसको क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। फांसी की तारीख को आगे बढ़ाने की बात की गई थी, कि और ज्यादा टालने की बात की गई थी। इस फैसले के खिलाफ निर्भया के दोषियों के वकील, मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि निर्भया की तरफ से बचाव दल कौन में कौन था, कौन उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, एडवोकेट, तो एडवोकेट का नाम है भाई एपी सिंह, क्या नाम है, एपी सिंह, ये सुप्रीम कोर्ट गए थे। कहाँ गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे। बात आती है भाई क्यों गए थे, क्योंकि हर एक इंसान को अपना पक्ष रखने का राइट होता है, चाहे उसने कितना भी बुरा काम किया हो, ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, ऐसा हमारा आईपीसी भी कहता है। लेकिन रात को 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, खारिज कर दिया, इसलिए 5:30 बजे फांसी भी लग गई। अब अगर तलाक की अर्जी भी लगाई गई थी अभी, लेकिन फांसी नहीं रोक सके, इसका मतलब क्या है, फांसी रोकने के लिए अक्षय नाम का जो बंदा था, इसमें अक्षय ठाकुर, उसकी वाइफ है पुनीता, उसने अभी रिसेंटली 18 मार्च को ही औरंगाबाद की कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई थी। उसने दलील दी थी, उसने ये दलील का मतलब अपील, एक तरह से अपनी तरफ से बोल रही है, उसने ये कहा था कि भाई जो आपकी मैं विधवा का जीवन नहीं रहना चाहती, मैं कहने का मतलब मैं विधवा नहीं बनना चाहती, मैं विडो नहीं रहना चाहती, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसके पीछे का रीज़न है कि जो आपका तलाक होता है वो आपका सिविल केस में आता है, वो आपका दीवानी मामलों में आता है, और ये जो केस है, जो निर्भया केस है, ये आपका क्रिमिनल केस है। कैसा केस है, क्रिमिनल केस है। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन कहती है उसके अकॉर्डिंग डेथ वारंट
इम्पोर्टेंट पॉइंट है, डेथ वारंट और जो फांसी की डेट है उसके अंदर लगभग लगभग कितने दिन का अंतर होना चाहिए, 14 डेज का डिफरेंस रहना चाहिए, 14 दिन का अंतर रहना चाहिए डिफरेंस बिटवीन द डेथ वारंट, जिस दिन वारंट इशू किया गया, और डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। तो अब बात आती है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कब इशू किया गया था, तो 5 मार्च को इशू किया गया था और 20 मार्च को फांसी ले गई दी गई, 20 मार्च को क्या हो गई, 20 मार्च को फांसी दे दी गई, मतलब हैंगड हो गया, ठीक है ना, डेथ पेनल्टी कंप्लीट उसकी हो गई। तो बात आती है कि लगभग 14 दिन पूरे भी हो गए, फांसी की सजा में दोषी को सारे कानूनी रास्ते इस्तेमाल करने का अधिकार है, मतलब अपने आप को बचाने का भी अधिकार है, चारों की रिव्यू पिटीशन भी हुई थी, रिव्यू पिटीशन मतलब फिर पिटीशन का फिर से पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन भी हुई थी, मतलब प्रेसिडेंट के पास भी गए, या दया याचिका जो थी वो भी खारिज कर दी गई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है इसमें, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो कहता है इसमें कि 2012 दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामला भारत की राजधानी दिल्ली में 16 दिसंबर कट रहा है, ये इसकी पीडीएफ बेटा आपको प्रॉपर मिल जाएगी। 2012 को बलात्कार की ये घटना थी, मतलब इसमें रेप हुआ था, निर्भया की हालत, उसके बाद उसको बहुत बुरी तरीके से उसको मारा गया था, उसको उसी टाइम पर बचाने के लिए भेजा गया था, कहाँ पर उसका इलाज कराने के लिए भेजा गया था, सिंगापुर, कहाँ पर भेजा गया था, सिंगापुर का हॉस्पिटल था माउंट एलिजाबेथ, क्या था, माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल, उसमें भर्ती कराया गया था। 29 दिसंबर को निर्भया ने करीब रात को 2:15 बजे के आसपास दम तोड़ दिया, मतलब उसकी डेथ हो गई। अब बात आते हैं यहाँ पर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है भाई, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दिख रहा है हमको, 11th of March 2013 को राम सिंह नाम का एक बंदा था, मतलब 6 में से एक बंदा था, जिसने सुबह तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। कई सारे लोग ये बोल रहे थे कि आत्महत्या कुछ नहीं की, लोगों ने इसको मार दिया, जो और कैदी थे उन लोगों ने इसका मर्डर कर दिया है, बट वो प्रूव यही हुआ कि उसने सुसाइड कर लिया है। फिर आता 14 सितंबर 2013 को इस मामले के विशेष तौर पर क्या बनाया गया, त्वरित अदालत, फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बोलते हैं, वो बनाया गया था और उन्होंने ही चारों को फांसी की सजा सुनाई थी। इस घटना के बाद उषा मेहरा, क्वेश्चन आ सकता है कौन सा कमीशन अपॉइंट हुआ था, इसके बाद एक उषा मेहरा कमीशन अपॉइंट किया गया था, जिसने सुरक्षा सिक्योरिटी जैसे मामले पर सारे डिपार्टमेंट से बात की थी, उसकी कमियों को दूर करने की बात की थी, अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। फिर एक आता महिला बाल विकास मंत्रालय ने, मतलब जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, सुरक्षा के लिए 24 घंटे की आपकी हेल्पलाइन जो चलती है वुमेन के लिए वो जारी की गई, और सरकार ने इसी घटना के बाद निर्भया फंड की शुरुआत भी की थी। किसकी थी, निर्भया फंड, मतलब निर्भया के नाम पर फंड, ऐसे लोगों को बचाने के लिए, इसको अगर इनके साथ किसी के साथ गलत होता है, रेप होता है तो। उसके अलावा दिल्ली सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 स्टार्टअप का किया, कितना किया, 181 स्टार्ट किया। इसी दिन अब निर्भया केस के रूप में मनाया जाएगा, इस दिन को किस केस के रूप में मनाया जाएगा, निर्भया केस के रूप में मनाया जाएगा, ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया है। कौन सा दिन, अरे भैया जिस दिन फांसी लगी है, 20 मार्च। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट भाई निर्भया मामला एक्चुअली क्या है, तो लिखा है निर्भया के जो वकील है उसका नाम, निर्भया के जो वकील थे उनका नाम है सीमा कुशवाहा, क्या नाम लिखा है, ये देखो आज कल की न्यूज में भी थी, रो रही थी, आंखों में चश्मा लगा रखा था, आंखों से आंसू आ रहे थे, और दूसरों का वकील वही है एपी सिंह, है ना, कन्विक्ट्स का जो वकील है उसका नाम क्या है, एपी सिंह है, ये लिखा हुआ है एपी। नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य जो पीठ बनाई गई थी, जो 5 जस्टिस का एक बेंच बनाया गया था, उसमें जस्टिस एन वी रमन, अरुण मिश्रा, आर एफ नरिमा, ठीक है, उसके अलावा आर भानुमति बड़ी फेमस रही हैं बहुत सारे केसेस के लिए, अशोक भूषण, इन्होंने जो क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई थी सुधारात्मक केस में, कोई सुधार होना चाहिए, मतलब इनको लाइफ इंप्रिजमेंट दे दो, इस तरह का बात की गई थी, उसे भी इन्होंने क्या कर दिया था, डिसमिस कर दिया था बेटा। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, संविधान का 21 नंबर का आर्टिकल क्या कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। उसमें क्या होता है कि हर एक इंसान को जीवन देने का अधिकार होता है, उसमें ये नहीं कहा गया किसी ने क्या क्राइम किया क्या नहीं किया, बट आईपीसी जो है वो ये कहता है अगर किसी ने क्राइम किया है, गुनाह किया है, तो क्या होगा, आपको हत्या के बदले आपकी भी हत्या की जा सकती है। कहने का मतलब लोगों को सुधारने के लिए आगे कोई ऐसा काम ना करे, फांसी इसलिए दी जाती है क्योंकि फांसी का जो खौफ होता है, जो डर होता है, लाइफ जाने का जो डर होता है, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आजकल तो सोचो कोरोना का चल रहा है, उससे लोग कितना डर रहे हैं, बहुत बड़ी हालत में लोग, और सही मायने में हर सारे देशों की हालत खराब है कि नहीं है। कोरोना पे भी मैं एक इशू पे बनाऊंगा, वैसे मैंने छोटा सा एक उस पर 2 मिनट का 3-5 मिनट का लेक्चर लिया भी था, ठीक है ना। तो किसी को स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता, आ सकता है कि आर्टिकल 21 में क्या है, ये जीवन जीने का है, पर्सनल लिबर्टी का ये राइट है, ठीक है। और अगर जो आर्टिकल 20 की बात करें, फंडामेंटल राइट में आता है, 22 की अगर बात करें तो उसमें होता है कि एक इंसान को
एक इंसान को अगर कोई किसी ने कोई क्राइम किया या नहीं किया तो कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से, किस जहां पर भी केस चल रहा है, अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको एडवोकेट भी प्रोवाइड कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा या हाई कोर्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे मेन मेन पॉइंट है बेटा जी, जो आपके केस से रिलेटेड थे, निर्भया से रिलेटेड थे। अब इसमें दो तीन वर्ड आए थे क्यूरेटिव पिटीशन वगैरह, इस पर भी हम लोग एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ इस तरह की आपकी जो चीज़ें हैं आगे भी आपकी ये चलती रहेंगी, इस तरह की जो आपकी ये चीज़ें हैं आगे भी ये आपकी चीज़ें चलती रहेंगी, इस तरह के मैं आगे भी क्लासेस लाता रहूँगा, छोटी छोटी क्लासेस जो आपको बहुत फ़ायदा देंगी, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने सेशन में। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी वो देना तो मैं भूल ही गया, 24th ऑफ मार्च है, तो 24th ऑफ मार्च को आपका हमारा एक बैच अपना स्टार्ट हो रहा है। किस पर हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है भाई? अन अकेडमी पर, जिसकी टाइमिंग है 5 to 6। उसमें मेरा कोड यूज़ कीजिए, ANAVI10 अनादि10। क्या कोड यूज़ करेंगे उसमें? आप लोग मेरा कोड यूज़ करेंगे जो है आपका अनादि10। उस कोड के थ्रू आप उसमें आ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं और उन क्लासेस का भी आप फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। तो बस फिर हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।